बीस बीस साल से कई कर्मचारी नगर निगम में काम कर रहे हैं और आज तक वो कच्चे हैं, उनको मिनिमम वेज पे वो लोग काम कर रहे हैं। अब उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां कैसे करेंगे, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, और जो कच्चा कर्मचारी होता है उसको कभी भी निकाला जा सकता है। तो जाहिर है कि उनकी मांग बिल्कुल जायज है। इसमें दो मुद्दे निकलते हैं। एक तो ये कि हम सब लोग जानते हैं एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है। आज अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार होती, मुझे लगता है ये सारे पक्के हो गए होते इनको। दो मुद्दे, एक तो बीजेपी का सफाई कर्मचारियों के प्रति, दलितों के प्रति क्या रवैया है, और दूसरा जो इस टाइम पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो रही है, दिल्ली के प्रति इनकी क्या जिम्मेदारी ये लोग समझते हैं। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से जब से केंद्र में भी बीजेपी की सरकार आई है और कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, दलितों के ऊपर पूरे देश में अत्याचार बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर ही है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कैरेक्टर ही है कि वो पूरी तरह से दलित विरोधी हैं। वो दलितों को अछूत मानते हैं, वो दलितों को प्लीज बैठिए। ये तो सारी सच्चाई देश के सामने आ रही है, ये तो सारी सच्चाई देश के सामने आ रही है। मैं ये देश के सामने आ रहा है। माने सीएम साहब को बोलने दीजिए। विजेंद्र जी आप बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। माने सदस्य बैठे, अछूत गैर संसदीय शब्द नहीं है, अछूत का गैर संसदीय शब्द नहीं है। बैठिए प्लीज, नहीं आप बैठिए प्लीज, बैठिए विजेंद्र जी। नहीं अछूत, अछूत गैर संसदीय शब्द नहीं है। मैं वो गैर संसदीय शब्द नहीं है, हम प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। बैठिए विजेंद्र जी, बैठिए विजेंद्र जी, आप बैठिए प्लीज। बाकी माननीय सदस्यों से प्रार्थना, बैठे प्लीज बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो गुस्सा सच्चाई सुनने के बाद आया उसको समझ सकता हूं। पिछले 3-4 सालों के अंदर जिस तरह से दलितों के कत्ल हो रहे हैं, दलितों के ऊपर, विजेंद्र जी आप व्यक्तिगत लेके जा रहे हैं, ये मामला ठीक नहीं। ये व्यक्तिगत, उन्होंने पार्टी का नाम लिया। क्यों नहीं? बिल्कुल जा रहे हैं बार बार, और यही दिक्कत आती है। उन्होंने पार्टी का नाम लिया, और अध्यक्ष महोदय ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि परसों पूरे देश के अंदर जब दलित आंदोलन हुआ तो जितने मौतें हुई वो सारी की सारी बीजेपी शासित राज्यों के अंदर हुई। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये महज इत्तेफाक नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी कितनी दूरदर्शिता थी। उन्होंने संविधान में लिख दिया सारे बराबर हैं, उन्होंने संविधान में लिख दिया कि सबका वोट होगा,
अध्यक्ष महोदय, अगर बाबा साहब अंबेडकर, अगर दलितों का आज वोट नहीं होता, ये बीजेपी वाले उनका क्या हाल करते, ये मैं सोच के भी कई बार मेरी रूह कांप उठती है। उनकी सोच ऐसी है। सिरसा जी का जो स्टेटमेंट था वो उसी मानसिकता को दर्शाता है, वो बाई चांस नहीं निकला था, वो अंदर है, दिल के अंदर है उस किस्म की भावना। अब हम आते हैं दिल्ली की, जो इन लोगों ने व्यथा कर दी है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत एक इवेंट मैनेजमेंट हो गया है कि चार आदमी खड़े होके झाड़ू दिखाएंगे। स्वच्छ भारत के तहत पूरे देश में एक गली साफ हुई हो तो मेरे को दिखा दो, एक गली साफ। इन्होंने पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए फूंक दिए स्वच्छ भारत के नाम पे, एक गली साफ नहीं हुई पूरे देश में। क्यों नहीं हुई? कौन करेगा? तो फोटो खिंचाने वाले थोड़ी करेंगे, करना तो सफाई कर्मचारियों ने है ना, सफाई। उनको अगर अन्याय करोगे, उनके साथ अन्याय करोगे, उनको उनका हक नहीं दोगे, उनका सम्मान नहीं करोगे, कभी नहीं हो सकता तुम्हारा स्वच्छ भारत। भारत कभी स्वच्छ नहीं हो सकता जब तक सफाई कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिया जाएगा, उनका सम्मान नहीं दिया जाएगा। आज बड़े शर्म की बात है कि हमारे पांच भाई इंडेफिनेट फास्ट पे बैठे हुए हैं। मैं एक तो यूडी मिनिस्टर यही है, मैं इनको आज पूरे सदन में निर्देश देता हूं कि डायरेक्टर लोकल बॉडीज को तुरंत डायरेक्शन इशू की जाए कि वो तीनों एमसीडी को डायरेक्शन दे कि सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। दूसरा, पक्का करने के निर्देश हम दे सकते हैं, पक्का करना आपने है तो उस पे भी आ रहा हूं मैं, अपने वालों पे भी आ रहा हूं मैं। चिंता ना करो, उस पे भी आ रहा हूं। ना सारी चिंता, सारी बात करेंगे इनके, सारी बात। मेरा दुख ये है, हम गेस्ट टीचर्स को भी पक्का करना चाहते थे, सर्विसेज हमारे पास नहीं, हम गेस्ट टीचर्स को भी पक्का करना चाहते थे। हमने कहा भाई, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया भाई, गेस्ट टीचर को पक्का करेंगे, तो बोले नहीं ये तुम्हारी तो पावर ही नहीं है। तो हमारी पावर नहीं है तो तुम्हारी पावर है, तुम कर दो, या तो तुम कर दो या हमने कर दो, दोनों में से एक तो कर दो, या तो तुम कर दो या हमको करने दो। हम करते तो कहते तुम्हारी पावर नहीं है, खुद करते नहीं हो, जब तो कहते तुम कर दो तो कहते नहीं तुम करो। मतलब ऐसे दोगले लोग देखे नहीं। तो अच्छा, ये इनकी समझना पड़ेगा, बीजेपी की ये कोर वैल्यू है कि ये पक्के कर्मचारी रखना नहीं चाहते। आप गुजरात देख लो, सारे कच्चे में हैं, सारे कच्चे में हैं। हरियाणा में मैं अभी क्या था, बिजली वाले नहीं, सारे कच्चे में रख रहे हैं ये। दिल्ली के अंदर आठ सर्विसेज हमारे पास आ जाए, पक्का कैसे करते हैं हम करके दिखाएंगे तुमको। हमारी सरकार ने 49 दिन की सरकार ने कमिटी बिठा के गए थे पक्का करने के लिए, और जैसे ही दोबारा हमारी सरकार आई थी, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया था, प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दिए थे, एक एक डिपार्टमेंट पक्का करने की तैयारी कर रहा था। इतने में वो दिल्ली हाईकोर्ट का गलत ऑर्डर आ गया कि सर्विसेज इनके पास नहीं है। तो एक तो तुरंत पक्का किया जाए, तो हम आदेश दे देंगे, करोगे? हाँ बोलो। तीन साल में दिल्ली की सरकार के पास 50,000 करोड़ का बजट है, आपने कितने लोगों को पक्का किया? तो मैं कहते रहा हूँ पक्का करने के सर्विस, वही जब नहीं करना होता ऐसे ही कहा जाता है। जो काम आपको करना होता है वो आपने बोल दिया अभी कि डायरेक्शन दो, अभी आपने यूडी मिनिस्टर को बोला ना डायरेक्शन देने को,
तो जो आपको काम करना होता है आप करते हो। अच्छा अगर ही नहीं करते हो आप। अच्छा चलो गेस्ट टीचर्स को पक्का करने में क्या प्रॉब्लम है? आप करना ही नहीं चाहते। चलो अगर आप करना चाहते हो तो मैं एक मिनट मुझे पूरा यकीन है आज की ये प्रोसीडिंग सारे सफाई कर्मचारी देख रहे होंगे, वो देख लेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। सामने पूछा मैंने, सबके सामने पूछा, गेस्ट टीचर ने भी पूछा था, सारे गेस्ट टीचर्स ने देखा था, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स ने, मैंने इनसे पूछा करना है नहीं करना, चुप हो गए। आज भी मैं पूछ रहा हूं, हम डायरेक्शन दे रहे हैं, करोगे नहीं करोगे? कह रहे पहले अपने करो। अरे हम अपने कर लेंगे तो अपने करो। अच्छा एक मिनट, दूसरी बात उसके बाद आती है एरियर्स की, तो मैं कह रहा हूं पहले पक्के करो एरियर्स के लिए। मैं आज पक्का समाधान सदन के सामने रख रहा हूं। पहली चीज तो ये, पीछे के दिल्ली सरकार के पास अनाप शनाप पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार भी, ये तो बड़े अच्छी बात है कि आज दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है, हम अपने पैसे को जिम्मेदार तरीके से कर रहे हैं। कुछ सीखो हमसे कि कैसे जिम्मेदार तरीके से, कैसे जिम्मेदार तरीके से अपने अपनी सरकार चलाई जाती है। दिल्ली के लोग तो पूरे देश में, दिल्ली अकेला शहर है जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स इकट्ठा करके देता है। मतलब पूरे पूरे राज्य, बड़े बड़े राज्य, हरियाणा से, पंजाब से, फलाने ढिमके, सारे राज्यों से सबसे ज्यादा इनकम टैक्स टोटल दिए। 14-15 में किसकी सरकार थी? बीजेपी की, प्रेसिडेंट रूल था। इन्होंने कांग्रेस से भी कम कर दिए, नॉर्थ एमसीडी को 545 करोड़ रुपए दिए, कांग्रेसियों ने 800 करोड़ रुपए दिए, इन्होंने 545 करोड़ रुपए दिए। और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमने राजनीति नहीं करी, हमने सोचा एमसीडी हमारी है, हमने 1175 करोड़ रुपए दिए पिछले साल जनवरी तक के, और अभी और दिए हैं पिछले मार्च तक के, लेकिन पिछले साल 16-17 में 1318 करोड़ रुपए दिए, इन्होंने दिए थे 500, इनसे तीन गुने पैसे दिए हम लोगों ने, तीन गुने पैसे, जितने पैसे इन्होंने दिए थे भाई, जो फॉर्मूला तुम, मेरे को नहीं पता, चौथा फाइनेंस कमीशन और तीसरा फाइनेंस कमीशन, जिस फॉर्मूले से तुमने 545 करोड़ रुपए दिए थे उसी फॉर्मूले को लगा के हमने तुमसे तीन गुने पैसे दे दिए। पैसे तुमसे, तुमको उतने, 1300 करोड़ रुपए हमने इनको दिए, हमने पूछा कहां खर्च करे, हमने पूछा कहां खर्च करे, हिसाब नहीं देते, ये हिसाब है सारा इनके सर। उसी तरह से ये कि भैया ये सारा एरियर के नाम है इनके, कर सफाई कर्मचारियों के, तो आप पक्का तो कर दो कम से कम, उसके बाद एरियर को भी ढूंढेंगे इधर उधर से, पक्का तो कराओ आप। अध्यक्ष जी ये बहुत जरूरी मामला है, तो मैं मांग करता हूं कि तुरंत भाव से सभी कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। मैं उन जो 5 हमारे भाई बैठे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप अपना अनशन तोड़ लीजिए, आपकी जिंदगी हम सब लोगों के लिए बहुत कीमती है, आप कृपया अपना अनशन तोड़ लीजिए। ये पूरा सदन, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार आपके साथ है, आपके संघर्ष में आपके साथ है, अंतिम सांस तक हम भी आपके साथ तन मन धन से आपका साथ देंगे।